नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब और एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से तीन अलग अलग विभागियों की रिक्तियों की जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित वन धन भवन सेक्टर 24 नवा रायपुर के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर रिक्तियां निकाली गई है। दोस्तों, यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आवेदन की तिथि 29/12/2021 से प्रारंभ हो गई है। दोस्तों, आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है, अर्थात आवेदन करने की तिथि केवल 3 दिवस शेष है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो 18 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे। इसमें आपका सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर रिक्तियां निकाली गई है। देखिए दोस्तों, आपको आंतरिक अंकेक्षक के भी 2 पद लिखा है, अर्थात आंतरिक अंकेक्षक के भी पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 2 पद अनारक्षित में है, 1 पद अनुसूचित जनजाति में है। ऐसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के अनुसूचित जनजाति में 2 पद स्वीकृत है। सहायक ग्रेड 3 के 8 पद हैं अनारक्षित में, अनुसूचित जनजाति में 8 पद हैं और अनुसूचित जाति में 3 पद हैं। इस प्रकार यदि मैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं दोस्तों, तो कुल 25 पदों पर भर्तियां जारी की गई है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर पाएंगे, तो 18 जनवरी 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप PDF अवलोकन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा 1925 विभिन्न पदों पर बंपर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, नवोदय विद्यालय संगठन ग्रुप सी ABC के लिए 2022 विभिन्न पदों पर रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। यदि आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको नवोदय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन करना होगा। चलिए दोस्तों, हम पद डिटेल्स की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका इसमें सहायक आयुक्त ग्रुप ए के 5 पद, सहायक आयुक्त प्रशासन विभाग ग्रुप ए के 2 पद, महिला स्टाफ नर्स ग्रुप बी के 82 पद, सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रुप सी के 10 पद, लेखा परीक्षा सहायक ग्रुप सी के 11 पद, जूनियर अनुवाद अधिकारी ग्रुप बी के 4 पद, जूनियर अभियंता सिविल अर्थात जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप सी के 1 पद, आंसुलिपि ग्रुप सी के 22 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर के 4 पद, खान पान सहायक ग्रुप सी के 87 पद, जूनियर सचिवालय सहायक ग्रुप सी के 8 पद, जूनियर सचिवालय सहायक ग्रुप सी के 622 पद, इलेक्ट्रिशियन सह प्लम्बर ग्रुप सी के 273 पद, लैब अटेंडेंट ग्रुप सी के 142 पद, मेस हेल्पर ग्रुप सी के 629 पद, मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी के 23 पद निकाला गया है। इस प्रकार यदि मैं कुल पदों की संख्या की बात करूँ दोस्तों, तो 1925 बंपर पदों पर भर्ती निकाला गया है। इसके संबंध में क्या क्या इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके तमाम डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। दोस्तों, आप ऑफिशियल वेबसाइट की जाकर भी सर्च कर पाएंगे। आवेदन करने की यदि तिथि के संबंध में हम बात करें दोस्तों, तो पात्र इच्छुक उम्मीदवार NVS एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है, अर्थात आप 10 फरवरी 2022 तक आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप संबंधित विषय में योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। पात्रता के संबंध में मैं बात करूँ दोस्तों, तो नवोदय विद्यालय समिति भर्ती के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10वीं 12वीं ITI स्नातक डिग्री डिप्लोमा नर्सिंग जैसा जैसा पद है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इनके लिए आप अधिकृत वेबसाइट में जाकर भी सर्च कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, यदि आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। यदि हम आवेदन शुल्क की बात करें दोस्तों, तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक अलग अलग पद के आधार पर आपको फीस लगेगा। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो भी 750 रुपये से लेकर 1500 रुपये
फीस लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी 750 से 1500 रुपये फीस लगेगा। पद के हिसाब से फीस कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो महत्वपूर्ण तिथि, यदि हम आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि की बात करें दोस्तों, तो 14 जनवरी 2022 से आवेदन करने की तिथि प्रारंभ हो रही है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। यदि आप संबंधित विषय में योग्य हैं तो 10 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।